सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भो निर्भो निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी शैभं अजूनी गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच जुगाद सच है सच सच नानक हो सी भी 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 सच राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया राम न पाया जाए राम न पाया जाए राम न पाया जाए राम न पाया जाए राम न सब जग फिरे राम न पाया जाए राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया करता सब जग फिरे
सब जग फिरे, राम न पाया जाए। सत नाम वाहे गुरु, 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 सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। राम परोसा तोरा, परोसा तोरा, राम परोसा तोरा, परोसा तोरा। प्यार से बोलिए धन गुणा, धन गुणा, धन गुणा। राम भरोसा तोरा, भरोसा तोरा, अब कहो राम भरोसा तोरा। भगत कबीर जी द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द है, बड़ा ही प्यारा शब्द है और बड़े गहरे अर्थ हैं इसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, बेड़े भरोसे वालों के पार होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस भवसागर से वही नाव पार करेगी जिस नाव में भरोसा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाव का इस शरीर को, जिस शरीर में भरोसा नहीं अपने गुरु के प्रति, वो पार नहीं लंग सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरोसा,
इस संसार में बिना भरोसे के तो संसार नहीं चलता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो बिजनेस चल रहा है आखिर में किसी न किसी पे भरोसा करना ही पड़ता है, हर एक को, चाहे कितना भी कोशिश कर ले कि सब काम मैं खुद करूँ, आखिर में किसी न किसी पे विश्वास करना पड़ता है कि ये कर लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब संसार का काम बिना भरोसे के नहीं चल सकता, चाहे कोई धोखा दे, तो निरंकार बिना भरोसे से कैसे पाया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दौलत गई, कुछ नहीं गया, बाबा नंद सिंह जी के वचन, क्योंकि आती जाती रहती है, जाएगी आएगी, जिसके पास है उसकी चली जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौलत गई, कुछ नहीं गया, सेहत गई, कुछ कुछ गया, एक बार गई वापस नहीं आती कई बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु से श्रद्धा गई, विश्वास गया, भरोसा गया, सब कुछ चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भरोसा, भरोसे के बिना किया हुआ जप तप भी पूरा फल नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक मन में दुविधा है, दास के पास मिलने कई लोग आते हैं और मन में दुविधा ही लेकर आते हैं, ये जपू या वो जपू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुविधा रख के जपने वालों के बेड़े पार नहीं होते, उनकी घाल ना थाए नहीं पड़ती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में से ये निकाल दीजिए, खत्म कर दीजिए अपनी दुविधा। किसी भी प्रकार की दुविधा रख के जपा हुआ नाम, दुविधा का मतलब होता है भरोसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे नाम उस परमात्मा के हैं, सारे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास बच्चों को जैसे समझाना पड़ता है, कलिंगड़ है, चाहे उसे तरबूज को, चाहे वाटरमेलन को, रहेगा तो वही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो एक को अंकार वही है, चाहे ओम को, चाहे जय श्री कृष्ण को, चाहे वाहिगुरु को, चाहे राम को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, चाहे हम धन गुरु नानक कहें, रहेगा वो एक ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खैर बात बीच में आ गई, बात चल रही है भरोसे की। कबीर जी शब्द में बड़ी प्यारी बात कहते हैं जब से मैंने गुरु के सामने खड़े होकर कह दिया ना भीतर से कि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर से विश्वास जब मेरा जाग गया गुरु पर प्रति पूरा, तो मेरे साथ चमत्कार हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कबीर जी के साथ दिन रात चमत्कार ही होते रहे, सारे काम गुरु खुद आकर करता रहे, क्योंकि पूरा भरोसा ही कर लिया, अपनी डोरी उसके ऊपर फेंक दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि अगर मेरी बदनामी हो रही है तो मेरी नहीं तेरी हो रही है, अगर नाम हो रहा है तो मेरा नहीं तेरा हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तेरी मर्जी मेरी उस्तत करा, तेरी मर्जी मेरी निंदा करा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भगत कबीर जी की अवस्था बनी कैसे, जिस दिन पूरा भरोसा आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शब्द की पंक्तियां श्रवण कीजिए। जा कै हर सा ठाकुर भाई, मुकत अनंत पुकारण जाए। कहते जिस दिन मेरे भीतर भरोसा जाग गया, क्या हुआ, मेरे मन में ठाकुर प्रकट हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरे हृदय में निरंकार प्रकट हो गए। अब क्या हुआ, जिस मुक्ति के पीछे दुनिया भागती है कि मुक्ति मिल जाए, वो मुक्ति मेरे पीछे भागती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि कोई सेवा दे, वो मुक्ति जिस मुक्ति के लिए लोग तरसते हैं। मुक्त अनंत पुकारन जाए, बार बार मुक्ति पुकारती कि आजा मेरे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे हुआ ये चमत्कार, जब मुझे अपने गुरु पर पूरा विश्वास आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम गाते तो हैं मुको तो भरोसे गुरु ग्रंथ महाराज पे, पर है विरलों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि बड़ी कीमती दात है ये भरोसा। भरोसा जा कै मन विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस क्षण, जिस सेकंड, जिस समय गुरु पर पूरा विश्वास जाग जाएगा, उसी वक्त ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही भगत कबीर जी के साथ हुआ। अगर हमारा नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए भरोसा नहीं, सिंपल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कितना भी कहें कमियां हैं,
हजारों होंगी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पर इसी विश्वास के साथ बैठे हैं ना, आए हैं अमृत के लिए, गुरु नानक ने उठाया है कई भरोसे की दांत बख्श देगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब कहो राम भरोसा तोरा, अब काहू का कवन नहीं हो रहा। अब मैं मंत्रियों से क्यों डरूं जब राजा ही मेरा मित्र है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं क्यों दूसरों की चापलूसी करूं, तब काहू का कवन नहीं हो रहा, किसकी मोहताजगी मुझे जब राजा ही निरंकार ही मेरा मित्र बन गया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तीन लोक जा कह है पार, सो काहे ना करे प्रीत पार। जो तीनों लोगों को संभाल कर बैठा है वो मेरी प्रीत पालना नहीं करेगा, मुझे नहीं देगा, मुझे किस बात की चिंता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारा ज्ञान कब मिला, जब पूरा भरोसा जाग गया भगत कबीर जी को। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जाओ बिख दे महतारी। कहने लगी अभी तत् का ज्ञान में कह देता हूँ। तत् ज्ञान उन्होंने क्या निकाला, उदाहरण कितना कमाल का दिया है कि जिस बालक को उसकी माँ ही जहर देकर मारना चाहे उस बालक को कौन बचा सकता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस बालक को उसकी माता ही जहर देकर मारना चाहे उस बालक को कौन बचा सकता है। कहने का भाव, मारने वाला और रक्षा करने वाला वो एक निरंकार ही है। अब मेरा मरने का डर मिट गया है, क्योंकि मारेगा तो वही, नहीं तो मुझे कोई नहीं मार सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर जिसे वो मारने आ जाए उसे कोई बचा नहीं सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कबीर जी के साथ हुआ, हाथी के सामने फेंक दिया गया, संगल बांध कर हाथी को भांग पिला दी गई कि लताट दे उसे, कुचल दे, और हाथी ने आकर माथा टेक दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहाड़ से नीचे फेंका गया, संगल बांध कर नाव से डुबोया गया, नदी में फेंक दिया गया। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। गंगा की लहर ने जंजीरें खोल दी तोड़ दी, मृगशाला प्रकट हुई, उसमें कबीर जी बैठे तैर रहे हैं। जो नाव में डुबोने गए वो डूब गए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस बालक को माता जहर देकर मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता, पर जिस बालक को माता बचाना चाहे वो परमात्मा कोई मार नहीं सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये विश्वास जाग गया भगत कबीर जी का, गुरु नानक मेर करे हमारा भी जाग जाए, हम भी ये कह सकें कि भरोसा तोरा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कहते हैं पर नहीं है, नहीं है साथ संगत जी, भरोसा पूरा नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब कहो राम भरोसा तेरा, गुरु मेर करे हमारे जीवन में भी वो दिन आ जाए जरूर, है नहीं है गुरु नानक तरस कर, एक दिन हम भी ये गाएं मन से अंदर से। राम भरोसा तोरा, राम भरोसा, राम भरोसा तोरा, राम भरोसा, राम परोसा तोरा, राम परोसा, राम परोसा तोरा, राम परोसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक तो बड़ा कमाल का पहलू कहते हैं, कहते हैं जब तक तुझे अपने गुरु पर विश्वास नहीं आया ना, प्रतीत नहीं आई, भरोसा नहीं आया,
जब तक शब्द से तेरा प्रेम नहीं जागा, शब्द से प्रेम कब जागेगा? जब पूरा विश्वास जागेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु के शब्द, गुरु के हुक्म, गुरु का भाणा। उस पर तेरा प्रेम नहीं जागा, तुझे विश्वास नहीं आया, तब तक तू सुखी नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे 100 बार जन्म ले ले, 1000 बार जन्म ले ले, तू परम सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएगा कभी भी, जब तक तेरा पूरा विश्वास गुरु के प्रति नहीं जाग जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विश्वास किसे कहती है साथ संगत? पहले श्रवण कर लिए, गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं, श्रवण कर लीजिए। सतगुर की परतीत नाया, शब्द ना लागो पा, सुनो सुख ना उपजे, उसनो सुख ना उपजे, पाए सागिना आ जाओ, पावे सागिना पावे जाओ, आओ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भरोसा, हम कहते हैं हमारा गुरु पर विश्वास है। खुद को चेक कर लिया करो, जब दुख आता है, जब कोई कहता है कि फलानी जगह चलते हैं वहाँ दुख दूर हो जाएगा, जादू टोना मंत्र, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को छोड़कर चल पड़ते हैं, कहाँ है भरोसा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरोसे वाले तो कहते हैं मर जाऊंगा, अपने गुरु का दर नहीं छोड़ूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फिर उनके बेड़े पार होते हैं, इम्तिहान आता है। जब आप नाम जपना शुरू करते हो, अमृतला संभालना शुरू करते हो, अब आगे के स्टेज मिलने इम्तिहान आएगा, दुख आएगा। कोई ऐसा दुख आएगा जो आप दूर करने की कोशिश करोगे दूर नहीं होगा। फिर ये इम्तिहान होता है कि डोलता है कि जुड़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दर पकड़े रखता है कि दर छोड़ देता है? अगर दर छोड़ दिया तो कुत्ते हमसे अच्छे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यार दा बुआ मूल न छड़ दे, पावे 100-100 मारो जुत्ते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तैथो उत्ते, बुल्ले शाह जी कहते हैं कि कुत्ता हमसे अच्छा कि अपने यार का दरवाजा नहीं छोड़ता, चाहे मालिक उसे 100 जूते मारे, दर नहीं छोड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें कोई कुछ कह दे छोटी सी बात, कहते कल से सेवा नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवा तू इसकी कर रहा था कि गुरु की कर रहा था? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा तू अपने लिए कर रहा था, किसी के लिए नहीं, छोड़ देगा उसका क्या जाने वाला है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को परखो, हम कहाँ खड़े हैं? नहीं है विश्वास गुरु पे। जिसे गुरु पे विश्वास हो उसके तो ऐसा कौन सा काम है दुनिया में जो पूरा ना हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कठिन से कठिन काम भी गुरु क्या नहीं कर सकता, समर्थ है वो, पर हमारा विश्वास तो जागे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में महापुरुष वचन किया करते थे कि होना ये चाहिए था कि हम अपने मन पे शंका हो और गुरु पे भरोसा हो, पर हो उल्टा गया है। शंका गुरु पे, भरोसा अपने आप पे करके बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये कमी किस चीज़ की है? कमी है नाम की। जो अमृत वेले उठ के नाम जपते हैं उनके झोली में भरोसे की दात पड़ती ही पड़ती है, दूसरों से कई गुना जाता होता है उनके झोली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिखानु सिखी दान, केश दान, डह दान, विवेक दान, विसाव दान, भरोसा दान। सिखानु, सिख भेस को नहीं कहा, सिख किसे कहा है? गुर सतगुर का जो सिख खाए सो पलके उठर नाम त्यावे, उद्दम करे पलके पर वाती स्नान करे। हम जो अमृत वाले उठ के नाम जपते हैं, पार गुरु रामदास जी कहते हैं वो है मेरे सिख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो अमृत वाले उठता है उनकी झोली में भरोसे की दात पड़नी ही पड़नी है। प्यार से बोलिए भरोसा। Yeah.
एक बड़ी प्यारी घटना है, बड़ी प्यारी, महापुरुष सुनाया करते थे। संत ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले ये घटना सुनाया करते थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं एक आदमी साहूकार जिसका कारोबार लाहौर में है, ये तभी की बात है सत्संग जी, जब पार्टीशन नहीं हुआ था, पाकिस्तान नहीं बना था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो साहूकार रहता लाहौर में था, पर एक दूसरा घर सेकंड होम उसने श्री अमृतसर साहब बना कर रखा था, क्योंकि हरिमंदर साहब से इतना प्रेम था कि पूरी पूरी रात वहाँ बैठ कर सेवा करनी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नाम जपना। ऐसे कई लोग करते हैं जिनको गुरु ने समर्था दी है ना, उन्होंने छोटा दूसरा घर लेकर रखा होता है हरिमंदर साहब, ताकि ज़्यादा ज़्यादा दिन जाके रहे, सेवा करें, नाम जपें, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी आपकी संगत में कई लोग हैं जो मैं जानता हूँ महीना 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 जाकर रहते, साल में 6 महीने तो वहीं बिताते हैं, पूरी रात बैठकर कीर्तन सुन रहे होते हैं, आशिक है कीर्तन के, भूख जाग गई है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे ये साहूकार था, बात हो रही है भरोसा क्या होता है, हम कहाँ खड़े हैं और वो साहूकार कहाँ खड़े हैं, उसकी सोच देखो कि भरोसा किसे कहते हैं। लाहौर में उसका कारोबार बहुत बड़ा सेठ है, गोडाउन भरे रहती है सामान से, पर नौकर चाकर संभाल रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, यहाँ पे बैठा है, काम थोड़ा काम हो जाएगा, थोड़ी चोरी हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं आनंद लूँ अपने जीवन का, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 7-8 महीने साल के वो हरिमंदर साहब में गुजारता है, घर पास में लेकर रखा है, रोज़ वहाँ जाता है सेवा। अचानक एक दिन उसका नौकर एक मुंशी को लेकर आ गया, मुंशी सारे नौकर 3-4 साथ में आ गए, हरिमंदर साहब अमृतसर साहब घर में, जहाँ घर में ये बैठा था आराम कर रहा था दिन के समय, और आकर कहा कि बहुत बुरी खबर है सेठ जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कह लेगा क्या हो गया, सब ठीक तो है? कह लेगे बाढ़ आई है लाहौर में, आपको पता है? कह लेगा हाँ पता है, सुना है कि लाहौर में बाढ़ आई है। कह लेगे सेठ जी आपका सब कुछ बह गया, कुछ भी नहीं बचा, एक दाना नहीं बचा, जो लाखों का सामान था एक टका भी नहीं बचा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिल्कुल खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा, बाढ़ में सब बह गया। सेठ उसी वक्त उठ खड़ा हुआ, ध्यान से सुनना सारी, कहने का चलो हरिमंदर साहब गुरु रामदास जी को अरदास करें, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे कह लेगा हाँ हाँ चलो गुरु रामदास जी को अरदास करते हैं कि सब कुछ गया हुआ वापस आ जाए, यही ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ कहने लगा नहीं इसके लिए नहीं, ये तो आता जाता रहेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास देखिए, हम भी होते तो यही करते ना, गुरु रामदास जी के दर पे भागते, पाछा बचा ले, सब कुछ चला गया, कुछ कृपा कर, कोई रास्ता निकाल। पर वो सेठ को चिंता धन की नहीं है, भरोसा कितना गुरु पर है, कितना उसे भरोसे की ताकत का पता है, उसे भरोसे की दात का पता क्या है। वो घबरा गया, घबरा कर कहने लगा नहीं हरिमंदर साहब जाके गुरु रामदास जी के दर पे अरदास करनी है, पाछा मेरा सब कुछ चला गया है, तस करना कहीं मेरा भरोसा ना चला जाए तुझ पर से। मेरा सब कुछ बह गया है, मेरा भरोसा ना बह जाए, मेरा भरोसा बच जाए, क्योंकि गुरु पर से भरोसा गया तब सब कुछ गया, धन गया गुरु तो अगले दिन दे देगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ, अपनी आंखों से देखा है, अरबों पतियों को रोड पर आते हुए, रोड वालों को अरब पति बनते हुए, इसी जन्म में कईयों को देख लिया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु देने पे आ जाए पता ही नहीं चलता कहाँ से दे रहा है, लेने पे आ जाए तो भी नहीं समझ में आता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो डर के रहना चाहिए, डर किसे कहता है? निर्मल भाव। गुरु से डरना मतलब वो डर नहीं, पिता से भी तो डर होता है ना, बच्चा बालक रिस्पेक्ट से डरता है, दुनियावी डर नहीं, इसे कहते हैं निर्मल भाव, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि किसी का दिल ना दिखा दूँ, किसी की बदअसीस ना ले लूँ कि गुरु को बुरा लग जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भरोसा मांगो पाछा, जैसे उस सेठ का भरोसा हमारा भी बन जाए, डर रहे कि भरोसे की दात मिली है तो चली ना जाए, दुख आए पाछा मैं डोलू ना, तेरा दर ना छोड़ू। दुख सुख तो जीवन के दो पहलू हैं, एक दुख आएगा अगले दिन सुख आने वाला है, अगर सुख है डर ना दुख आने वाला है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे जीवन में जब कोई बड़ा सुख आता है मैं तो पहले ही समझ जाता हूँ कोई पंगा होने वाला है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि लाइफ है, ये होना ही है,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात और दिन ना हो और दिन और रात ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए मांग ले। अब काम महापुरुष समझाया करते थे, ज्ञान दिया करते थे, कहते थे हम दुखों से डरते हैं दुख ना आए, पर कहते हैं जब तक दुख नहीं आएंगे ना तब तक गुरु पर भरोसा जागेगा भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक दुनिया से विश्वास नहीं उठता ना गुरु पर विश्वास नहीं जागता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप पूरी हिस्ट्री छान मारो, अपने जीवन भी देख लो, दूसरे को भी देख लो, भक्तों के पढ़ लो। ध्रुव भगत ध्रुव ना बनता अगर मतरई माँ उसे राजा की गोदी में से खींचकर उठा ना देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास टूटा उसका कि मेरी माँ ने मुझे मेरी पिता की गोदी से उठा दिया है, चल पड़ा भक्ति करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोट लग गई, चोट के बाद ही भरोसा जागता है इस दुनिया से। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहा करते थे जब तक दुनिया पर बेविश्वास नहीं जागता ना, बेविश्वास नहीं हो जाती दुनिया, तब तक गुरु पर पूरा विश्वास नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनके लिए मर मर के जीते हो, जिनके लिए सारे काम करते हो, जब वही बच्चे बड़े होकर कह देते हैं ना तूने मेरे लिए किया क्या है, तब गुरु याद आता है, भाई गुरु तुझे छोड़ छोड़ कर मैं इसे देखती रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विश्वास उठ जाता है फिर आदमी फर्ज निभाता है रहता हुआ, पर मन जुड़ जाता है गुरु के चरणों के। सब कुछ मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है, बस यही रह जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भर्तरी राजा भर्तरी योगी भर्तरी ना बनता अगर वो चोट ना लगती तो, अगर उसकी घरवाली जिसे वो इतना प्रेम करता था वो उसे धोखा ना देती, उसका विश्वास ना टूटता तो प्रभु के प्रति विश्वास जागता भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। घटना सबको पता है, एक ऋषि ने तपस्या की, उसे मिला फल, अमर फल, खाएगा अमर हो जाएगा, उसे आके दे दिया कि राजा बड़ा नेक है ये भर्तरी, ऐसा राजा जीवित रहना चाहिए, ये अमर हो जाए, फल उसे दे दिया तू खा ले। राजा ने सोचा मैं अमर के क्या करूँगा, मेरी घरवाली बड़ी सुंदर है, मेरी रानी, उसे फल दे देता हूँ, वो खा लेगी, अमर हो जाएगी, सुंदर रहेगी हमेशा। वो रानी को प्यार था महावत से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने फल दे दिया महावत को, महावत प्रेम करता था वेश्या से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने फल दे दिया वेश्या को कि तू खा ले तू अमर हो जाएगी। वेश्या ने सोचा मैं पापन, मैं अमर होके क्या करूँगी। ऋषि के पास चली गई जिस ऋषि ने फल दिया था कि तू आप खा लो आप अमर हो जाओगे आप नाम जपते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऋषि फल लेकर पहुंचा, राजा ने फल मैंने तुझे दिया था मेरे पास कैसे आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सारी घटना राजा को पता चली उसका विश्वास उठ गया दुनिया से, वो राजा भर्तरी योगी भर्तरी बन गया। कहने लगा अब मैं उसे याद करूंगा, आज तक मैं उसे याद करता था अपनी रानी को हजार बार, वो मुझे एक बार भी याद नहीं करती थी, अब मैं उसे याद करूंगा, जिसे मैं एक बार याद करूं वो मुझे हजार बार याद करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो एक ही है गुरु नानक, यहाँ प्रेम सच्चा है, यहाँ झूठा नहीं। यहाँ पर तो ये हाल है, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल सतगुर कोट पेंडा, एक बार वाहेगुरु कह दो करोड़ बार वाहेगुरु वो कहेगा तुमसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, वो याद करेगा, इतना प्रेम करता है ये। पर हम इसे छोड़कर दुनिया पर विश्वास रख के बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब का हो राम
राम परोसा तोरा, परोसा तोरा, घटना। गुरु अर्जन देव जी महाराज, इनका बड़ा भाई पृथ्वी चंद, बहुत ही कमाल की घटना है। पृथ्वी चंद सगा भाई ही दुश्मन है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु अर्जन, सारे बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। भरोसा क्या होता है, हमें करके दिखाया है, क्या नहीं कर सकते सृष्टि के मालिक तति तय पर बैठे हैं कि गुरु को ऐसे ही भाया है, कोई बात नहीं, इसी में आनंद है, तेरा किया मीठा लगे, भरोसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सृष्टि के मालिक है, एक सेकंड में परले ला सकते हैं और खुद तति तय पर बैठे। गुरु अर्जन देव जी महाराज, बड़ा भाई प्रीति चंद चिढ़ रहा है कि छोटे भाई होके गुरुगद्दी इन्हें मिल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी लंबी घटना है, बहुत कुछ है इसमें, पर दास जितना पॉइंट यहाँ जरूरत है वो ले रहा है। पहुँच गया सुली खान के पास, सुली खान के कान भरे कि गद्दी का मालिक मैं था, उन्हें मिल गई, आप मुझे गद्दी पर बिठा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुसलमानों की हुकूमत थी मुगलों की, वो सेना लेकर चल पड़ा सुली खान के, गुरु अर्जन देव जी महाराज को मार देना है, कत्ल कर देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी सेना साथ में है सुली खान के साथ, प्रीति चंद साथ में है, बढ़ रहा है इस तरफ। खबर पहुंच गई गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास। गुरु अर्जन देव जी महाराज की संगत कहने लगी, पूरा शब्द अंकित है इस घटना का, पूरा शब्द कि प्रथम पता जब पत्री चला वो सर्वन कीजिए, प्रथम मताजे पत्री चला, द्वितीय मता दो मानक पहुँचा, तृतीय मता किछ कर पाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज से संगत कहने लगे, चिंता में आ गई कि सेना निकली है गुरु अर्जन देव जी महाराज को मारने। कुछ लोगों ने कहा कि एक चिट्ठी भेजो बना के, भी क्यों ऐसे कर रहे हैं तू, बातचीत कर, लड़ने क्यों आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने अपने राय दे रहे लोग, प्रथमे मता पहला मता आया कि पत्री चलावो, पत्र भेजो, द्वितीय मता कुछ मानक पहुँचावो कि कुछ लोग भेज दो, उससे विचार करने के लिए भी ऐसा क्यों कर रहे हैं तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सफाई पेश करो अपनी। तृतीय मता किछ करो उपाया, या तो कोई तीसरा उपाय करो, सेना तैयार करो, हम भी लड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सबकी बात सुनी और आखिर में क्या कहा, मैं सब किछ छोड़, मैं इनमें से कुछ नहीं करूँगा, मैं सबकी छोड़ प्रभ तो ही ध्याया, मैंने उसका आसरा पकड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा आसरा गुरु नानक है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं केवल उसके आगे अरदास करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अरदास की और क्या हुआ, घोड़े पर सवार सेना लेकर आ रहे हैं, वो घोड़े पर सवार होके पृथ्वी चंद के रास्ते में, ऐतिहासिक घटना है ये, प्रेमचंद के बहुत अमीर था, धनवान था, तो उसके बड़े भट्टे थे, भट्टे कहते जहाँ पर ईंटों की ईंट बनती है ना, ईंटों के भट्टे, वो बड़े बड़े उसके भट्टे थे बहुत सारे। कहने लगा, यहाँ मेरे भट्टे हैं, आओ एक बार आपको दिखा दूँ रास्ते में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होता है ना, मेरी दुकान है, मेरी फैक्ट्री है, दिखा दूँ, भट्टे दिखाने ले गया। सुली खान अहंकार से भरा हुआ, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज को मारने आ रहा है, घोड़े समेत भट्टे के ऊपर चढ़ गया, भट्टा कच्चा था, अंदर से आग जल रही थी, घोड़े समेत भट्टे में गिरा और घोड़े समेत ही जलकर सवा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी सेना देखती रह गई, कोई नहीं बचा पाया, क्यों, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु नानक का आसरा ले लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं सबकी छोड़ प्रभु तू ही ध्याया, कोई दूसरा काम नहीं किया सिवाय अरदास की, क्यों ऐसे, क्योंकि पूरा भरोसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें रास्ता दिखाया है,
और इसके बाद गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शुक्राने का शब्द उच्चारण किया, वो भी वाणी में दर्ज है, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही हुआ मुआ नापाक, वो नापाक होकर मरा, क्योंकि मुसलमानों में ये कहा जाता है ना कि जो जलकर मरते हैं वो नापाक मौत मरते हैं, उनके धर्म के हिसाब से वो नापाक होकर मरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का भाव, भरोसा, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, हमारे गुरुओं ने भरोसा करके दिखाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने गुरु पे विश्वास तो रखो, मारे राख है एक को आप मानक कह के, जिसका सांस ना काटे तो आप, जिसको राखत देकर हाथ, अगर वो रखा करने पे आ जाए, बिना सांस के भी रखा कर सकता है, सांस के बिना आदमी जी नहीं सकता, बिना सांस के जीवित रख सकते हैं अगर वो रखा करने पे आ जाए, इतना समर्थ है गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ मांग ली साथ साथ, अब का हो रहा, चरगा कुहिया इना खवाले का खान तिना मास खवाले चलाएगा। गुरु नानक पाशा कह रहे निरंकार कितना समर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, विश्वास कर गुरु पे, निरंकार पे, नाम पर। गुरु नानक पाशा समझा रहे, और पंक्तियां कितनी कमाल की हैं समझाने के लिए, कि वो कर सकता है क्या जो मांस खाने वाले जानवर हैं, सीहा बाजा चरगा कुहिया इना खवाले का, अगर वो चाहे तो ये घास खाना शुरू कर दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और घा खान तिना मांस खवाले ए चला रहा है, और घास खाने वाले को वो चाहे तो मांस खिलाने पे लगा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जबकि ये हो नहीं सकता, शेर को घास खिलाओ भूखा मर जाएगा, खाएगा नहीं, और वो चाहे तो खाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदियां विच टिबे देखाल थले करे असगा, कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे सुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो चाहे तो जहाँ पर नदी है वहाँ पर पहाड़ खड़ा कर दे, और जहाँ पर पहाड़ है वहाँ समंदर बना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो चाहे तो कीड़े के ऊपर नजर कर दे तो वो शहनशाह बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे सुहा, अगर वो चाहे एक चींटी पे ताकत इतनी भर सकता है कि लश्कर जो हो सेना हो उसे सुहा कर सकती है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अगर वो चाहे तो, समर्थ है गुरु, क्या नहीं कर सकता, भरोसा आ जाए बस। एक बहुत साल पहले दास ने एक छोटी सी बहुत प्यारी रियल स्टोरी सुनाई थी डॉक्टर मार्क की, याद है, क्योंकि बहुत सारी संगत नहीं है। ये इतनी प्यारी घटना है कि रोंगटे खड़े हो जाती है, सच्ची घटना, और विश्वास जाग जाता है कि गुरु क्या नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बस विश्वास हो किसी को अपनी अरदास पर, क्या नहीं हो सकता। छोटी सी बातें करके सुन लीजिए बहुत ध्यान से, उसके बाद ही उठिए, फिर समाप्ति कर देगा दास, पर यह घटना ज़रूर सुनिए और ध्यान से सुनिए जितनी संगत बैठी है। अमेरिका का एक डॉक्टर, और इस घटना को अगर उसकी वेरिफिकेशन करनी हो यूट्यूब पे गूगल में डाल के डॉक्टर मार्क की स्टोरी सर्च कीजिए, सारी डिटेल आ जाएगी। डॉक्टर मार्क एक ऐसा डॉक्टर जिसने बहुत खोज की, इतनी खोज की कैंसर के ऊपर, कि एक बच्चों में दुर्लभ कैंसर होता है, किसी किसी को होता है, और उसका इलाज नहीं है, उसने उसका इलाज खोज लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दिन रात की रिसर्च, कई सालों की मेहनत, और ऐसा डॉक्टर है कि नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, क्यों है ही नहीं, सब कुछ मेहनत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कई लोग ये बात कहते हैं कि सब कुछ मेहनत है, सब कुछ,
नहीं भाई, बड़ी ध्यान से समझना, तू मेहनत से पेड़ पर चढ़ सकता है, ये पेड़ है इसके ऊपर चढ़ना चाहिए, मेहनत है चढ़ जाएगा, पर अगर टहनी साथ ना दे, टहनी टूट जाए तो तेरी भी हड्डी टूट जाएगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। टहनी क्या है? गुरु की कृपा। अगर टहनी में ताकत बख्शी उसने तो तू पेड़ पर चढ़ पाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेहनत मजदूर करते हैं रोड पर, क्या मिलता है उन्हें? पत्थर तोड़ते हैं जो, और मेहनत एक जौहरी भी करता है कि हीरा बेच के पूरे साल भर की कमाई कर लेता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डॉक्टर मार्क ऐसा डॉक्टर कि सिर्फ अमीरों का इलाज करता है, गरीबों को देखता भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नास्तिक है, भगवान को मानता ही नहीं, मेहनत को मानता है, कहता है मैंने इतनी मेहनत करके इलाज निकाला है, गरीबों से क्या मिलेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी रिसर्च जब कामयाब हो गई, गवर्नमेंट को पता चला, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, नेशनल अवार्ड अमेरिका का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डेट फिक्स हो गई कि राष्ट्रपति के हाथों इसे अवार्ड मिलेगा। ये बहुत खुश, अखबारों में नाम आएगा, टीवी पर आएगा, फ्लाइट पकड़ी जा रहे हैं अवार्ड लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच्ची घटना सतसंग जी, फ्लाइट ख़राब हो गई रास्ते में, ऐसा कुछ मिस्टेक आ गई फ्लाइट में, ऐसा कोई नुक्स पड़ गया, टेक्निकल मिस्टेक के फ्लाइट को किसी अनजान एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा जहाँ पर नहीं जाना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटा सा एयरपोर्ट किधर होता है ना, कहीं पर कस्बों में, गाँव में, अमेरिका में तो छोटी छोटी जगह पर भी काफ़ी एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर लैंड करना पड़ गया एमरजेंसी लैंडिंग, और ये घबराया हुआ है मेरा अवार्ड लेने जाना है, सामान निकल गया तो अवार्ड नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने वहाँ पर काउंटर से पूछा एयरपोर्ट में कि भाई कोई टैक्सी मिल जाए, कुछ मिल जाए, मैं जो पहुँचना है वहाँ पर कितनी दूर है, कह रहे कि टेंशन मत लो, यहाँ से सिर्फ आधे घंटे का रास्ता जाए अपने जाने, बाहर से गाड़ियाँ मिलती हैं, आप गाड़ी ले लो कोई किराए पर, खुद ड्राइव करके ले जाओ। वो खुश हो गया, बाहर गया, गाड़ी ली, पैसे भरे और ड्राइव करके जा रहे, छोटा सा जंगल का रास्ता है, वहाँ से एक लेफ्ट ही मारने और पहुँच जाने। पर जैसे ही वो कार में बैठ के चलने लगा तो आंधी तूफान आ गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आंधी तूफान आ गया, रास्ता भटक गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चलते जा रहे चलते जा रहे, 4 घंटे हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो समय भी निकल गया अवार्ड का, सब कुछ चला गया, अब तो अवार्ड भी भूल गया, सब कुछ भूल गया, बस यही डर है कि कहीं पहुंच जाऊं, रात हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई चाय मिल जाए पूरे बरसात में, कुछ खाने को मिल जाए, सुबह से निकला हुआ भूखा और जंगल में भटक रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आधी रात को दूर से किसी झोंपड़ी में लाइट दिखाई दी, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला, डरा हुआ है, दौड़ कर गया झोंपड़ी में, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा एक औरत ने खोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहने लगा कि माफ़ी चाहता हूँ, बाहर बहुत बरसात और तूफान है, क्या मुझे फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ आपका? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस वक्त ये मोबाइल वगैरह नहीं होते थे। वो औरत कहने लगी हमारे घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हाँ, बरसात हो रही, तूफान है, आप रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो, मैं चाय बना देती हूँ, पी लो, फिर आप चले जाना। कह लेगा ठीक है, मुझे भी चाय की ज़रूरत है, कुछ खाने को भी दे दो। बैठ गया वो गरीब औरत, गरीब झोंपड़ी टूटी फूटी, उसमें बैठा है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर मार्क चाय दी, खाना दिया, जो भी उसके पास था ये खा रहे हैं, चाय पी के वेट कर रहे हैं बरसात बंद हो जाए। करते करते समा हो गया तो औरत कहने लगी मेरी प्रार्थना का समय हो गया है, आप भी चलिए मेरे साथ प्रार्थना कर लीजिए। डॉक्टर मार्क मुस्कुरा पड़े, कहने लगा किसको सुनानी है प्रार्थना, सुनता कौन है, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, अपना समय व्यर्थ मत गवाओ, मेहनत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करो, भगवान से क्या प्रार्थना करनी कि ये दे दे वो दे दे, कोई है थोड़ा जो सुनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। औरत कहने लगी देखिए आपको प्रार्थना करनी है तो कीजिए, पर मेरे भगवान के बारे में गलत अक्षर मत बोलिए। वो कहने लगा ठीक है तुम्हारी भावना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, आप अंदर जाके अपनी प्रार्थना करो, मैं यहाँ बैठा हूँ। औरत अंदर जाके प्रार्थना कर रही है और ज़ोर ज़ोर से रो रही है प्रार्थना में, ये बाहर बैठा सुन रहा है कि रो रही है औरत। तरस आ गया, अभी चाय पिलाई है, खाना खिलाया है, मंदिर बिठाया है, जब वापस आए तो कहने लगे सुनो मेरी बात। डॉक्टर मार्क कहते हैं क्यों अपना समय व्यर्थ गवा रही हो, किसके आगे रो रही हो? वो सुनता थोड़ा है, कोई तकलीफ है तो उसके लिए मेहनत करो ना, वो तकलीफ ठीक हो जाएगी। वो औरत कह लेगी नहीं, मेरा मुझे विश्वास है, भरोसा है
कि परमात्मा सुनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कब से प्रार्थना कर रही हूँ, कभी तो सुनेगा, मेरी बात जरूर पूरी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। तो डॉक्टर मार्क कहने लगा, ठीक है तुम्हारा भरोसा, तुम्हें मुबारक, पर आपने मेरी इतनी सेवा की है, चलो मुझे बताओ क्या तकलीफ है, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ। तो जब औरत ने जो बात उसे डॉक्टर से कही ना, डॉक्टर का जीवन पलट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो डॉक्टर डॉक्टर मार्क कहते, उस दिन के बाद में डॉक्टर मार्क नहीं रहा, उसकी औरत ने जो कहा हिला के रख दिया डॉक्टर को। कहने लगी, अंदर मेरा छोटा बच्चा रो रहा है, अपनी आवाज़ सुनी। कहने लगा, हाँ छोटा बालक है। कहने लगी, उसे एक दुर्लभ कैंसर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं यहाँ के गाँव में गई हूँ, शहर में भी गई हूँ, वो कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, और एक डॉक्टर मार्क करके है जो इसका इलाज कर सकता है, पर वो करेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बहुत पैसे लेता है, गरीबों को तो देखता भी नहीं। तू वहाँ तक पहुँच भी गई किसी तरीके उसके पास, तो वो इसका इलाज नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए समझ ले तेरा बच्चा मर ही गया, थोड़ी देर की बात है। कहने लगी, जब मैंने ये सुना कि डॉक्टर मार्क सिर्फ अमीरों का इलाज करता है, मैं पहुँच भी गई तो भी वो इलाज नहीं करेगा, तब से मैं रोज़ अरदास करती हूँ कि हे भगवान, मैं नहीं वहाँ पहुँच सकती, तू डॉक्टर मार्क को मेरे घर भेज दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कैसा विश्वास होगा सत्संगत से, कैसा भरोसा होगा उस औरत का जो हम में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दो पंक्तियां गा देना। कहने लगी, मैं रोज़ फरियाद करती हूँ कि मैं डॉक्टर मार्क तक नहीं पहुँच सकती, पहुँच भी गई तो इलाज नहीं करेगा, तू तुरस्कार उसके हृदय में बैठ, मेरे घर भेज दे, मेरे बच्चे की जान बचा ले। कहने लगी, रोज़ ये फरियाद करती हूँ, कभी तो आएगा। डॉक्टर मार्क ने जब ये घटना सुनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर कांप गया उसका। कहाँ मेरी फ्लाइट, कहाँ वो ख़राब हुई, कहाँ मैं उतरा, कहाँ मैंने टैक्सी पकड़ी, आधे घंटे का रास्ता था, रास्ता भटक गया, तूफान है, और कहाँ आकर इसी घर के बाहर रुका। अगर भगवान नहीं है तो ये सब भी नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इसका भरोसा, इसकी भगवान ने सुनी तो मुझे यहाँ भेजा। वो कहने लगा उस औरत को, मैं ही हूँ डॉक्टर मार्क, तेरी फरियाद सुनी गई है, और आज के बाद मैं प्रण करता हूँ कि सबसे पहले गरीबों का इलाज करूँगा, अमीरों का बाद में। और डॉक्टर मार्क का जीवन पलटी खा गया सत्संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमी हमारे भरोसे की है, गुरु में नहीं। हम कमी ढूंढते हैं गुरु में, किसने काम हमारा पूरा नहीं किया, अरे तुझे भरोसा था कहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा बैकअप प्लान तो पहले खड़ा होता है, अरदास कराते हैं, करते हैं, और फिर सोचते हैं चलो ये कर लेंगे, नहीं हुआ तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरोसे वाले के पास बैकअप प्लान नहीं होता, भरोसे वाले बस अरदास करके खड़े हो जाते हैं बस। द्रौपदी ने जब आखिरी बार कहा था ना गोविंद, तब कृष्ण जी आए थे, पहले देख रही थी सबकी तरफ, नहीं आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी साहब जगह हाथ पांव मार के आखिर में कहते हैं गुरु कुछ कर, अगर पहले गुरु को पकड़ ले भरोसा हो तो वो हाल ही ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, हमें भरोसे की दात बख्श दे, बख्श दे भाई गुरु। वो तो जन्म खत्म होने पे आ गया, अब तो बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जाके हर सा ठाकुर पाई,
न संगीए सतगुरु प्यारे तो बस नाम ही मंगीए सतगुरु प्यारे तो बस नाम ही मंगीए जीना सिमर लिया नाम गुरादा ओ नानू कादा डर वे लोको जीना दे सिर उते हथ गुरादा ओ नानू कादा डर वे लोको जग दे सहारिया दी लोड़ नहीं हो रहंदी जिना दे दिल विच वास गुरादा ओ नानू कादा डर वे लोको जिना दे सिर उते हथ गुरादा ओ नानू कादा डर वे सुख आवे दुख आवे हंस के गुजारिए हर वेले दाते आदा शुक्र गुजारिए हर वेले दाते आदा शुक्र गुजारिए जिना दे बन गए सतगुरु मालिक ओ नानू कादा डर वे लोको जिना दे सिर उते हथ गुरादा ओ नानू कादा डर वे लोको जिना ने डोरा सतगुरु ते छड़िया ओ ही तालंग दे
लबन छावा मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा सौखा कीता साहदा सफर दातिया शुक्र दातिया शुक्र दातिया शुक्र दातिया शुक्र दातिया ये शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ये पैसे दी जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहा। जय गुरु जी की। जग करता जग हरता
जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु महेशा जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम से शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओम